नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल एनालिसिस किया था कैसा टर्न आउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। तो कल मैंने आपसे ये चीज कहा था कि यहां से एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया है तो हम बुलिश ही मार्केट में व्यू रखेंगे अपना। मे बी मार्केट में हमें एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने, जैसे हमने कहा था कि इस तरीके का मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं श्योर था कि मार्केट में वो रिजेक्शन कहाँ से आएगा। अभी वो दिख रहा है कि वो 25,000 से मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास, जैसे आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छे लेवल से रिजेक्शन लिया है। अब वो कौन सा लेवल है, वो है ये जहां से पिछली बार जो ये बजट का सेलिंग आया था, ये जो बजट डे था, यहां पर मार्केट ने जो सेल ऑफ दिखाया था, जो रिएक्शन दिखाया था बैंक निफ्टी ने, वहां से इसने एक फिर से एक रिजेक्शन लिया है वहां से। और इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी फिर से मूव करता है तो एक हमें अच्छा मार्केट में मूव अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर आप यहां से इसको जोड़ेंगे तो आपको एक समवॉट एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर दिखाई देगी, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें मार्केट में अच्छा मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमने ये कहा था बॉस कि सबसे पहले 51,500 इसके ऊपर अगर आप जाता है मार्केट तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम एग्रेसिव मार्केट में कब होंगे, जब ये लोग इसके ऊपर, ये जो हमारा जोन है इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब यहाँ से इनके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे, तब आपको ऑप्शन बाइंग वाला मूव मिलेगा। जैसा मैंने आपको समझाया भी एक वीडियो में कि ऑप्शन बाइंग का मूव आपको तभी मिलता है, तब अच्छा मिलता है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में मोमेंटम अगर होना है तो या तो बहुत सारे लोगों को मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को एग्जिट करना पड़ेगा, तब मार्केट में मोमेंटम आता है। जब मार्केट में एंट्री आती है या फिर एग्जिट होती है तभी मार्केट में वायलेंट मूव्स आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास मूव करना शुरू करेगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तब ये लोगों में फियर जनरेट होगा कि यहाँ से हमारा पैसा जा सकता है। जो अगर मान लीजिए किसी ने ऑप्शन सेल करके रखा होगा, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा अभी, और थोड़ा बहुत काफी कुछ इरोड हो गया होगा अभी, फिर से जब ये सेकंड टाइम टच करेगा तब वो लोग एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन से अपनी, तब मार्केट में फिर आपको अपसाइड पर इस तरीके का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा आपको निफ्टी में देखने को मिला, जैसे आपको यहाँ पर मे बी ये यहाँ पर हमने बोला था कि बॉस ये एक ट्रेंड लाइन सी दिखाई दे रही है, यहाँ से एक अपसाइड मूव आ सकता है। नहीं तो हमने कैसे बोला था कि बॉस, हमने ये सोचा था कि बॉस 24,600 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है या इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। और अभी ठीक ठीक जगह पे मार्केट मुझे लग रहा है ट्रेड कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पर। तो चैनल तो मुझे लग नहीं रहा कि उतना कुछ काम का रहेगा अब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ब्रेक देके वापस चैनल में एंटर करेगा तो चैनल उतना काम का नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग रखेंगे इसको जब तक हमें लगता है कि हाँ ये ठीक चल रहा है, कोई खासा यहाँ से मिल नहीं रहा है आउटपुट, यहाँ से कोई खासा हमें आउटपुट मतलब एग्जैक्टली कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों में ही आप इस तरीके से इस चीज को देख सकते हो कि बस यहाँ से एक मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी ने थोड़ा डीप करेक्शन किया, उसके बाद यहाँ से ये इधर इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है या फिर मार्केट बैंक निफ्टी फिर से नीचे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी काफी वीक है, ठीक है। अगर आप निफ्टी को कंपेयर करोगे तो खासा बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं दिया निफ्टी ने, लेकिन वहीं बैंक निफ्टी को देखोगे यहाँ से निफ्टी ने कोई खासा रिट्रेसमेंट नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया है। अगर आप इसे हम उसमें भी देखते हैं फिबनाची पे, अगर हम इसको डालेंगे, इसको अभी भी देख लेते हैं, अराउंड 50% के आसपास बैंक निफ्टी ने दे दिया रिट्रेसमेंट, और निफ्टी ने अराउंड, मुझे लग रहा है कि अराउंड 20% के आसपास, 20-25% ही रिट्रेसमेंट करा होगा, उससे ज्यादा नहीं करा यहाँ पर बुलिश मूव का। तो निफ्टी, जैसा हमने कल भी कहा था कि अगर मुझे कुछ बुलिश दिखाई देता है तो निफ्टी एक अच्छा कैंडिडेट है, और उसके लिए हमने बोला था कि वो केवल इसी रीजन की वजह से क्योंकि निफ्टी जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में है अभी, ठीक है। इस यहां पर इसके पास कोई बड़े रेजिस्टेंस नहीं है सिवाय राउंड नंबर्स के या साइकोलॉजिकल नंबर्स के, जो कि आज मार्केट ने 25,000 से एक रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अभी यहां पर अगर हम फ्रेश एंट्री मार्केट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर
बहुत ज्यादा चांस मुझे तो लगते हैं कि यही होगा कि मार्केट फिर से यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लिया है इस तरीके से अपसाइड पर मूव कर जाएगा, या फिर मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आने के बाद इस तरीके से मार्केट अपसाइड पर मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट से, अनलेस इस ग्रीन कैंडल्स का मार्केट ये फिर से जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा 24,600, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब हम फिर निकल जाएंगे ट्रेड से, तब हम हमारे ट्रेड को ब्रेक, जैसे हमने सोचा था कि 24,600 पर एंट्री, मान लीजिए कि 24,600 के आसपास हमने एंट्री लिया। ठीक है, तो अब मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया है, तो हमारा ये व्यू होना चाहिए कि हम एटलीस्ट जो ट्रेड है वो हम लॉस में मार्केट में ना निकालें। ठीक है, अगर आपने स्प्रेड बनाया है, बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, तो फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी एक अच्छा प्रोटेक्शन है, तो आप इसको ट्रेड को रहने दे सकते हैं थोड़ी देर तक। बट मैं ये चाहूंगा कि हम इस ट्रेड में रुके। अब वो रीजन उसका ये है कि ये जो हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सिचुएशन स्केरी दिखाई देती है, अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी सी स्केरी यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिखाई देगी कि हाँ ये चैनल से इसने रिजेक्शन रिजेक्शन लिया है, और यही इसका जो प्रीवियस सेलिंग लेवल है वहां से इसने, आप कह लीजिए वहां से भी एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है ये। तो इधर मार्केट क्या करेगा कि यहां से ये मार्केट नीचे आया है यहां पर, और ये फिर से इस तरीके से ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, और अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो निफ्टी अच्छा मूव करेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी अच्छा बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है। ये जो मुझे लगता है जो आज जो इतना भी करेक्शन आया है ये केवल बैंक निफ्टी की वजह से आया है, अदर सेक्टर्स बहुत अच्छा निफ्टी में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग अगर थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो निफ्टी अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट दे देगा, अपसाइड पर निकल जाएगा। तो निफ्टी जो है वो अच्छा बुलिश व्यू के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। फ्रेश एंट्री अगर हमें करनी है तो बहुत अच्छा हमें मार्केट ने चांस दिया है, और वो है ये 25,000 के ऊपर, ये आपको अच्छा मार्केट ने रिट्रेसमेंट का दे दिया। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है आपको एक छोटा स्टॉप लॉस भी मिलेगा, और अच्छा अपसाइड पर टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा हमें एंट्री पॉइंट अभी मिला है, अगर आप फिर से अपनी पोजिशन यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जनरली जो पिरामिड वगैरह लोग बनाते हैं, पिरामिडिंग करते हैं वो, या आप पोजिशन जब ऐड करते हैं, तो जनरली मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करिए, आपने एक जगह पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। ठीक है, दूसरा आप अगर पोजीशन डालना चाहते हैं उसमें ज्यादा बड़ा पोजीशन मत डालिए। दूसरा पोजीशन कब डालिए? जब मार्केट रिट्रेस हो गया है, फिर से अगर अपसाइड पर जा रहा है तो ये एक अच्छा चांस है यहाँ पर अपनी पोजीशन को ऐड करने का, यहाँ पर फिर से अपनी पोजीशन को ऐड करने का। सिमिलरली अगर आपने ब्रेकडाउन में मतलब मार्केट नीचे गया है, फिर लिया है एक रिट्रेसमेंट होने के बाद जब फिर से निकल रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं सेलिंग साइड पर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मुझे लग रहा है कि मार्केट ने हमें दिया है, और ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब ये मार्केट को ब्रेक करके निकलेगा, यहाँ से मार्केट ब्रेक करके निकलेगा, तो एक अच्छा मूवमेंट मुझे लगता है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अब मान लीजिए यहाँ पर एक सिनेरियो आ जाता है कि मार्केट अगर नीचे चला जाता है, तो निफ्टी उस केस में अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उस केस में। ठीक है, और उसका मैं रीजन आपको यहाँ पर बताता हूँ क्यों। ठीक है, पहला तो रीजन आपको पता ही है कि बॉस बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी वीक है अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी काफी वीक वैसे ही दिखाई दे रहा है, और वहीं दूसरा रीजन क्या है कि यहां से हमें 51,000 लेवल हमारे काफी पास में दिखाई दे रहा है, ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 51,000 हमारे काफी पास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट किसी कंडीशन में फिर से नीचे आता है, 51,000 को क्रॉस करता है, तो फिर ये कोशिश करेगा इस लो को वापस रीटेस्ट करने की। ठीक है, जो कि इसके काफी पास है, निफ्टी में ये चीज काफी दूर है। अगर निफ्टी में आप अगर 15 मिनट चार्ट या डेली चार्ट देखो, आर्ली चार्ट देखोगे, तो निफ्टी में ये स्विंग बहुत दूर है अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत पास में, तो अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो बैंक निफ्टी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, बैंक निफ्टी एक अच्छा विक्टिम बन सकता है इस सेलिंग का, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है और लोअर लेवल्स के आसपास ही ऑलमोस्ट एक तरीके से बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहां से इसके लिए अगर सेलिंग आती है तो निफ्टी के लिए तो ये जो लो है वो काफी दूर है और हाई काफी पास है, तो अगर बुलिश मूव हम देख रहे हैं तो निफ्टी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बुलिश मूव के लिए। और अगर बेयरिश हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, 51,000 के नीचे आना शुरू करता है, तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में दूसरी बात, बैंक निफ्टी में हमें बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन कब रखनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जब तक कि, देखिए मैं बहुत ही मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं बहुत ही सेफ मार्केट में प्ले करना पसंद करता हूँ, तो मेरी मेरे अगर मैं अगर ट्रेड लेता तो मैं कहाँ पर लेना चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि बॉस ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले,
तब यहाँ पर मैं पोजीशन ऐड करना शुरू करूँ, और जो एक्चुअल ट्रेड है जो और पोजीशन ऐड होंगी वो पोजीशन ऐड होंगी जब यहाँ पर ये इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। ठीक है, ये एक आइडियल प्रोसेस है कोई भी ट्रेड लेने का। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जब भी एंट्री करिए कम क्वांटिटी में एंट्री करिए, ठीक है, अर्ली एंट्री करिए। ठीक है, अगर आप अर्ली एंट्री कर रहे हैं कम क्वांटिटी में एंट्री करिए, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि आपका अगर लॉस निकलता है, मार्केट आपको स्टॉप लॉस देता है, तो आपका कम पैसा जाएगा। लेकिन जब मार्केट में आपको एक कंफर्मेशन फिर से दिखाई दे रहा है, तो वहां पर अपनी पोजीशन ऐड करिए, और जब मार्केट अगर हायर साइड पर मूव करेगा, अब मार्केट मान लीजिए इसमें 2 घंटे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज कैसे किस तरीके से एक्चुअली ट्रेड प्लान होना चाहिए कि बॉस मार्केट मान लीजिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव करेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऊपर मूव किया तो यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मैंने ऐड कर दी। ठीक है, ये पोजीशन मैंने यहाँ पर ऐड करी है, तो उसके बाद अगर मार्केट फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करता है या फिर इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए कि मार्केट रिट्रेस किया, मूव किया अपसाइड पर, तो मैं यहाँ पर सेकेंड पोजिशन अपनी ऐड करूंगा। ठीक है, जो भी मेरी सेकंड पोजीशन होगी, मतलब 50% डाला होगा तो मैं 50% ऐड करूंगा, पहले मैंने 70% डाल दिया होगा तो मैं बाकी 30% ऐड करूंगा, पहले मैंने 40 डाल दिया तो मैं 60 ऐड करूंगा या 40 ऐड करूंगा नेक्स्ट स्टेप के लिए बचा के रखूंगा अगर मुझे कैश रखना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अच्छा खासा पोजीशन पर प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहां से अगर मार्केट ऊपर जाके फिर से ब्रेकआउट फेल कर देता है, नीचे आता है, तो मुझे एक ही पोजीशन पर लॉस रहेगा। ठीक है, लॉस मुझे ₹50 का रहेगा यहाँ पर। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मुझे यहाँ पर इसका ₹50, और अगर मैं टारगेट 1:2 लेके चल रहा हूँ तो मुझे अराउंड इसका 2 टाइम्स यानी 200 मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप पिरामिडिंग मार्केट में करते हो या फिर अपना पोजिशन स्प्लिट करके मार्केट में ऐड करते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अराउंड 50:200 यानी 1:4 का आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बना सकते हो मार्केट में। और अगर मान लीजिए यहां से मार्केट सीधे ही ऊपर चला जाता है, आपको नहीं मार्केट चांस देता है, तो आपको 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको एक पोजीशन तो आप है ही आप ऑलरेडी। अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो आपको एक ही केस में ₹50 का नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हो, करना इस तरीके से ही चाहिए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि यहाँ पर मैं पोजीशन ऐड करूंगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, 52,000 के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अराउंड 52,800 के ऊपर ये जो जोन है इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट, तो यहाँ से एक एक्चुअल ऑप्शन बाइंग वाला मूव आएगा मार्केट में, एक वॉयलेंट मूव आपको अपसाइड पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे इनके पोजीशन एग्जिट होंगे। वहीं निफ्टी में भी एक अच्छा चांस है हमारे पास 25,000 के ऊपर पोजीशन ऐड करने का, यहाँ पर उसके ऊपर मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हमें होता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है कल के दिन, मान लीजिए आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट अगर इस जोन में ओपन होता है ऊपर जाता है तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं यहाँ पर ये भी नो ट्रेडिंग जोन मिल ले रहेगा। आप बोल सकते हैं नेगेटिव बन गया, लेकिन पॉइंट यही है कि पिछला जो मार्केट मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस वजह से जब तक कि मार्केट यहाँ पर एक्चुअल प्राइस एक्शन नहीं बना देता है डाउन साइड पर, तब तक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ही रहूंगा, क्योंकि मार्केट काफी अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा है, इसको नेगेटिव बनने के लिए थोड़ा सा हमें इसको समय देना पड़ेगा। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, यहाँ से अगर नेगेटिव मूव आता है तो हाँ ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, FIA DIA डेटा की अगर बात करें, बाकी मैंने यहाँ पर भी आपको इंट्राडे के लिए भी बता देता हूँ। अभी ये जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, इसके बीच में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट में हम पॉजिटिव बन सकते हैं, और 51,000 के नीचे यानी यहाँ से नीचे 51,000 से नीचे मार्केट में हम नेगेटिव प्लान करेंगे, और यहाँ पर हम नेगेटिव प्लान कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया रीजन वीक है। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा कि बॉस यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है तो ऑलरेडी नो ट्रेडिंग जोन पर है। ठीक है, यहाँ से मे बी रेट थोड़ा फिर गैप अप के केस में मैं यही सोचूंगा कि यहाँ से पहले निकल जाए मार्केट और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ प्लान करूंगा। गैप डाउन अगर मार्केट मान लीजिए ओपन हो जाता है तो उस केस में, यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, उस केस में थोड़ा सा मैं नेगेटिव प्लान ही करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे ही आ सकता है। ठीक है, नेगेटिव प्लान किया जा सकता है उस केस में।
तो बेसिकली हाँ, इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर FII और FII डेटा या प्रो डेटा देखा जाए, तो FIIs मतलब अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखेंगे तो FIIs जी, तो FIIs ऑप्शंस में बुलिश हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं और पोजीशन इंक्रीज हो रही है। और सॉरी, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मे बी वन सेकेंड, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे हो सकता हूँ कि हाँ ऐसे हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बॉस पोजीशन ये बढ़ भी रही है, इनकी इंक्रीज भी हो रही है, और ऑप्शंस में भी इनकी पोजीशन ठीक ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस में भी ठीक ठीक पोजीशन है। फिर से अब जो प्रो है वो थोड़ा सा बेयरिश हो गए, थोड़ा सा मतलब बेयरिश हो गए, थोड़ा सा नहीं, दोनों में ही। फ्यूचर्स में भी आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन में है, नेगेटिव पोजीशन लेके बैठे हैं अभी, और ऑप्शंस में भी पोजीशन सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ही है, कॉल्स बेच कर बैठे हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये फिर से मतलब मैं यही कहूँगा, अभी तो जैसा ये दिखाई दे रहा है कि FIIs पॉजिटिव हैं, ठीक है, प्रो नेगेटिव हैं लिख देते हैं हम लोग, और क्लाइंट जो है थोड़ा इनडिसाइसिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में शॉर्ट है, ऑप्शंस में बुलिश है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हालांकि ऑप्शंस में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में बुलिश हैं ये, तो मैं न्यूट्रल टू बुलिश इनको बोल सकता हूँ, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल टू बुलिश ये एक तरीके से ले सकते हैं हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि FIIs अभी भी पॉजिटिव है मार्केट को लेकर, प्रो नेगेटिव है। वो मुझे लगता है कि ये केवल रीजन जो है वो इसीलिए है, जैसे हम मैंने आपको बताया था कल, एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से अगर हम चार्ट सेटिंग में जाते हैं और मैं शो ऑल इंडाइसेस करता हूँ, ठीक है, तो जितना भी आज तक ये सेलिंग वगैरह हुआ है मार्केट में, ये सेलिंग हुआ है, और ये वाला दिन छोड़ के, ये वाला दिन में निफ्टी में इन्होंने अपने लॉन्ग्स बुक करे थे, बाकी ये शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बन रही है, यहाँ पर देखेंगे तो भी बैंक निफ्टी में बन रही है, और यहाँ ये वाला भी दिन निफ्टी में है बुलिश, यहाँ पर ये निफ्टी में हुए थे, अभी थोड़ा थोड़ा ये बैंक निफ्टी में भी बुलिश हो रहे हैं। तो मैं अभी भी यही चाहूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि 25,000 अगर मार्केट ऊपर निकालता है तो यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है, जिसमें हम एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए हमें रिस्क लेना अच्छा मतलब ठीक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक रिस्क हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कंसिडरिंग FIIs बुलिश हैं, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा दूसरा बात कि अगर बैंक निफ्टी नीचे साइड पर जाता है, अगर मार्केट मान लीजिए सेलिंग की तरफ आता है, तो बैंक निफ्टी में हम रिस्क ले सकते हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छी जगह पे दिखाई दे रहा है, तो वहां से एक बैंक निफ्टी में जरूर सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। 51,200 के नीचे भी मुझे लगता है मार्केट बेरिश होगा, लेकिन हम 51,000 ही लेके चलेंगे, 51,000 के नीचे मार्केट में आपको और स्ट्रांग बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के मैं अभी यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश व्यू के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, निफ्टी बुलिश व्यू की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है, अगर बैंकिंग, सिंपल सी बात है, अगर बैंकिंग सेक्टर थोड़े वीक है यहाँ पर, तो निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट भी आया वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से ही आया, तो अगर बैंकिंग सेक्टर अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो निफ्टी अपसाइड पर एक अच्छा मूव दे सकता है हमें, ठीक है, उसमें कोई डाउट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड का एक अच्छा मुझे ट्रेड दिखाई दे रहे हैं कि आप 25,000 के ऊपर प्लान कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जी, तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सेंसिबल के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करो, स्टॉप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, हेज के साथ ट्रेड करो, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।